कंपाउंडर एसोसिएशन के द्वारा आज ज्योति कुमारी को सम्मानित किया गया है। सम्मान की घड़ी में सबसे पहले उसके घर को सैनिटाइज किया गया है। देख सकते हैं जो कर्मी हैं जो यहां पर सैनिटाइज कर रहे हैं, खासकर आपको बता दें उनके परिवार के लोग भी वहां मौजूद रहे। लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि लगातार जो संगठन के लोग हैं, जो लोग समाजसेवी हैं, जो लोग नेता हैं, जो अधिकारी हैं, बराबर आ रहे हैं और सम्मान की घड़ी में लगातार ज्योति कुमारी को सम्मान मिल रहा है। लेकिन एक चिंता का विषय यह है कि इस महामारी में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाना था लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लगातार भीड़ यहां पर दिखा जा रहा है। एक प्रशासन को यह करना चाहिए कि बांस का जो बल्ला है वो घेरना चाहिए, जिस तरह से लोग यहां पर मिल पाते। और अब आपको बता दें कि ये जो कंपाउंडर एसोसिएशन है यहां पर मास्क का वितरण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके सम्मान किया है जो ज्योति है उनको, और मिठाई खिलाया है, बहुत सारा ऐसा चीज जो ज्योति को दिया गया है। विशेष कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस अवसर पर उन्होंने क्या कहा जो कंपाउंडर एसोसिएशन के लोग हैं। सुनते थे कि एक बेटा श्रवण कुमार होता है और आज श्रवण कुमार एक बेटी भी है, वही दरभंगा मिथिला के बेटी है जो गुड़गांव से चल के एक दरभंगा मिथिला में आए हुए हैं और एक अपांग बाप को साइकिल चला के एक दरभंगा के मिथिला जगह पर आके उसको 7-8 दिन लगा है साइकिल चला के आने में, और रास्ता में इतना कठिनाई हुआ है खाने पीने में रहने सोने में, जंगल झाड़ में, जहाँ रोड पर पेट्रोल पंप पर जहाँ तहाँ मतलब रात गुजारे हैं। उसके यही कहना चाह रहे हैं कि आज दरभंगा के नाम विश्व में रोशन करने जा रही है एक ज्योति कुमारी, और यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग उनको बहुत दिल से मानते हैं और बहुत हमारा देश उनको मानने जा रहे हैं और बिहार प्रदेश मानने जा रहे हैं और मिथिला के राज्य भी मानने जा रहे हैं, और हम लोग आज उनको सम्मानित करने का काम किए हैं, मेडल देने का काम किए हैं, सिल मेडल देने का काम किए हैं, उनका कपड़ा देने का काम किए हैं, उसका यूज का जो भी सामान हो सारा सामान हम लोग अभी दिए हैं। आए हैं सबसे पहले उसका पूरा घर का सैनिटाइज किए हैं, सैनिटाइज करके जितने व्यक्ति को मास्क नहीं था चेहरे पर मास्क देने का काम किए हैं, घर सैनिटाइज कराए हैं, और यही आज मिथिला का नाम रोशन किया है बेटी। और उनके हम लोग कहे हैं जो हम लोग प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ ऑल कंपाउंडर एसोसिएशन दरभंगा इकाई की तरफ से, अगर भगवान ऐसा खुदा नहीं करे अगर किसी अगर कुछ अकस्मात कुछ उसको होता है, अगर कुछ बीमारी होता है, तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सोचे हैं कि हमारे यूनियन तरफ से हर हमेशा उनको काम करेंगे और मदद देने का काम करेंगे हर हमेशा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमरेश कुमार यादव, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ में अध्यक्ष। देखिए, चूँकि ज्योति सम्मान के लायक काम ही किया है कि अपने बीमार पिता को, विकलांग पिता को साइकिल पर लाद करके गुरुग्राम से 8 दिन की यात्रा पर यहाँ लेके आई है, तो वो सम्मान के लिए तो स्वयं हकदार है। उसी कड़ी में उसी का मान सम्मान बढ़ाने जो किया, जो मिथिला का, बिहार का, इंडिया का नाम विश्व के बटल पर रखा है, आज उसी कड़ी में हम लोग प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ सम्मान करने के लिए जो हम लोगों को छोटा सा बन सका है सम्मान के तौर पर जो गिफ्ट सामग्री वो दिए हैं, और भगवान से भी ये प्रार्थना करते कि उसको भी इसी तरह बना रहे। और एक मैसेज भी लड़कियों के लिए कि जो समझती है कि कमतर हैं हम, वो कम ना समझें, लड़कियां भी सब कुछ कर सकती है, जो भी चाह ले कुछ भी असंभव नहीं है। और गार्जियन माता पिता से भी कि जो लड़कियों के प्रति उनका दोयम दर्जे का विजन है उसमें परिवर्तित करें, लड़की को भी समझे कि कुछ भी कर सकती है, जिसका एक जीवंत उदाहरण आप देख पा रहे हैं सरौली गाँव की ज्योति कुमारी। क्या कहना चाहेंगे? लगातार कंपाउंडर एसोसिएशन की बात करें तो महामारी के बीच भी लोगों के खाना खिलाने की बात करें या एक्टिव की, तो क्या कहना चाहते हैं? कंपाउंडरों का जो संगठन है ना वो सेवा भाव से ही गठित किया गया संगठन है, और हम लोगों का लगता भी है कि हम लोगों का जीवने जो है वो सेवा के लिए ही समर्पित है। सुबह उठते हैं और रात तक मानवता का, पीड़ित आत्माओं का सेवा करना ही हम लोगों का काम है, और ये तो मानवता के लिए एकदम बहुत पीड़ा की घड़ी है, बहुत दुख की घड़ी है। उस घड़ी में हम लोग जिस सेवा के उद्देश्य से संगठन का गठन किए थे उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए लोगों के बीच में सेवा भाव से जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जिस जिस तरीके से आवश्यकता पर कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। आपका नाम? नवोद सिंह, प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। किस लिए सम्मानित किया गया? अच्छा काम ही किए हमारे लिए। जोर से बोलो, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हम अच्छा काम ही किए हैं कि हमको आदमी लोग देखने आता है। इनके तरफ से आपको क्या क्या दिया गया है अभी? इनके तरफ से हमको एक बैग मिला, 2 कपड़ा मिला और एक लेगिंग मिला और पट्टी मिला, एक डायरी मिला, घड़ी मिला, साबुन, मेडल, सील भी मिला। आपके घर को भी सैनिटाइज किया गया है? अच्छा, मास्क बांटे हैं। इनके तरफ से क्या बोला गया, क्या आश्वासन, क्या प्यार मिला, क्या आशीर्वाद मिला इनके तरफ से? बहुत अच्छा। खुद कैसा अनुभव कर रही हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है।
क्या कहना चाहते हैं इनके एसोसिएशन के लिए? धन्यवाद, थैंक यू। क्या नाम हुआ? पिताजी का नाम? बढ़िया सुनो ना, ऐसे कर क्या कहते हैं? हाँ हाथ पीछे करो ना। हाँ सर जी, ललित जी सिल देंगे, ललित जी सिल देंगे। दोस्त अभी आइए, वीडियो सब क्या नहीं दिया। दूरी बढ़ाइए, अपना मैसेज करिए, चलिए हो गया।